दोस्तों, आप अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बनाओ या फिर अपने फ़ोटो को एडिट करो। हमें सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है वो है अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करने में। तो यहाँ पे मैं आपको आसानी से बताऊँगा कि कैसे आप एक मिनट के अंदर में अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर पाओगे। ऐसे दो वेबसाइट के बारे में बताऊँगा जिसमें आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपना इमेज अपलोड करेंगे और तुरंत ही बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक भद्दा सा फ़ोटो आप इरेज कर पाओगे, इसमें अच्छी खासी क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो। आज का लाइक है हम लोग 50 लाइक रखते हैं, ठीक, तो फटाफट से पूरा कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख लेना है स्टिकर मूल बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है स्टिकर मूल बैकग्राउंड रिमूवर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आया हुआ है वो है www.stickermool.com। तो हमें इस पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो हमें यहाँ पे साइन इन टू गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इससे साइन इन हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप नया अकाउंट बना पाएंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉग इन विद जीमेल पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे अपलोड ए फ़ोटो का ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर आप क्लिक करके कोई भी फ़ोटो अपलोड कीजिए, उसका बैकग्राउंड तुरंत ही इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है अपलोडिंग फाइल। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरह से इरेज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फिर से डाउनलोड फुल इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है बैकग्राउंड इरेजर HD, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है बैकग्राउंड इरेजर HD, इसको सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है सबसे पहला वेबसाइट remove.bg। remove.bg के बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन अगर मैं remove.bg डायरेक्ट यहाँ पे लिखता तो ये वाला जो वेबसाइट है ना, ये वाला ओपन हो जाता, लेकिन हमें ओपन करना था ये 4K Ultra HD वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ट्राई 4K इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप कोई भी इमेज अपना अपलोड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इमेज अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड अभी रिमूव हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक तो डाउनलोड एंड दूसरा डाउनलोड HD। तो हम लोग इसको HD में डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड HD पे क्लिक करेंगे तो ये HD में आ जाएगा एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इस पर टैप करके रखना है इस तरह से, जैसे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे टैप करके रखना है एंड डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें आपको अच्छी खासी क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये दोनों वेबसाइट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।